नमस्कार दोस्तों, वो डर ही है जो इंसान से बहाने बनवाता है। वह बहाने के आवरण से उस डर को छुपाना चाहता है जो उसके अंदर है। वो है हारने का डर, असफल होने का डर। ये इंसान को कोशिश करने से भी रोकता है। ये डर इतना भयानक है कि इंसान इस डर की वजह से जीवन भर गरीब बनकर रहना और गरीब मरना मंजूर करता है, पर कोशिश करना मंजूर नहीं करता। वो अपनी वर्तमान स्थिति के बहुत से कारण गिना देगा। वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे किस किस का दोष है, वो सब आसानी से गिना सकता है, पर सत्यता को स्वीकारना नहीं चाहता है। मैं भी हूँ, कुछ विशेष करूँ, कुछ कर दिखाऊँ, मेरा भी जीवन अच्छा हो, मेरे पास भी अच्छा पैसा हो, मेरा परिवार सुख सुविधाओं के साथ जीवन जिए, मुझे भी लोग नाम से चेहरे से जाने, लोग मेरी सफलता के बारे में बात करें, मेरे चर्चे हों, मैं फेमस हो जाऊं, लोग सम्मान करें। लेकिन उस डर का सामना करके, उससे लड़कर, उससे आगे निकलने लायक हिम्मत नहीं जुटा पाता। डर का सामना करो या जीवन यूं ही बिताओ, समय तो बीत ही रहा है, बहाने बना लो या साहस जुटा लो और कुछ कर लो। हर व्यक्ति अपने लेवल पर बहाने बनाता है, जबकि वो जहाँ है, जो कर रहा है, जिस स्थिति में जीवन जी रहा है, उससे कहीं आगे जा सकता है। आप कुछ भी करते हैं, किसी भी पोजीशन पर हैं, एक बार खुद को रिचेक कीजिए। क्या आप ऐसे नहीं हैं? आप उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़िए जिन्होंने समाज, देश, दुनिया के लिए कुछ किया है। उनका जीवन असफलताओं से होकर वो सफल हुए। जो जितना अधिक असफल होने का साहस करता, अनेकों असफलताओं से ही होकर गुजरा, उन्हें उतनी ही बड़ी सफलता उसको मिलती है। असफल होने से ना डरें, सबसे पहले सीखने का माइंड सेट बनाएं, दिमाग को खोलें, सुनना और पढ़ना शुरू करें, अच्छे पॉजिटिव और कामयाब लोगों से मिलें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि बिना सीखे आप अच्छा खाना तक नहीं बना सकते, और सीखकर महिलाएं भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं। सीखने का बहुत महत्व है, तो आज से ही बदलाव कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि जीवन की असली शिक्षा जो आपके जीवन को सरल और सफल बना सकती है, वो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही शुरू होती है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, शांति से कामयाब होके लिया जाता है। सबको लड़ने ही पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक ग्रेट एमएस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई पोस्ट डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।